रही हूँ अपने वैकेशंस पे। तो मेरे आज से वैकेशंस स्टार्ट हो गए हैं और आज मैं सबसे पहले जाऊँगी अपनी ससुराल में जो कि है मध्य प्रदेश में। दैन में जाऊँगी अपने घर मायके जो कि है दिल्ली के पास में। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ ट्रेन से। तो ये है मेरी ट्रेन की बोगी और ये मेरा कंपार्टमेंट है। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके का है। तो ये कुछ इस तरीके का है, एज यू कैन सी दिस इज़ फर्स्ट क्लास एंड देन दिस इज़ द मिरर ओवर देयर। आई मीन ये जो है मिरर दिया हुआ है यहाँ पे, तो यू कैन सी मी इन दिस ऑल्सो। तो अभी हमने सारा लगेज लगा दिया है नीचे, लगेज हमारा पूरा लगा हुआ है एंड वी आर इंजॉइंग। मेरा जो छोटा बेबी है उसकी तो फर्स्ट ट्रिप है, सो बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो हम हैं यहाँ पर फर्स्ट एसी में इस बार हमने कराया है बिकॉज छोटा बेबी है, तो उसके वजह से यू नो छोटा बेबी होता है तो ज़्यादा फर्स्ट एंड ऑल हो जाता है। तो दैट्स वाई हमने इस वाले कंपार्टमेंट में इस बार कराया है अपना रिजर्वेशन। तो काफ़ी ही ज़्यादा हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपनी जर्नी को। तो एक्चुअली क्या है कि 20 आवर्स का रन रहता है, तो बहुत ज़्यादा हमने ये थोड़ा सा कंफर्टेबल बोगी को बुक कराया है और हम लोग रहेंगे वहाँ पे 1 मंथ के लिए। इसलिए हमारे साथ में जो है लगेज भी बहुत ज़्यादा चला है और मैं वहाँ पे पहुँच के आपको पूरा अपना लगेज दिखाऊँगी कि क्या क्या मैंने रखा है पैकिंग में। तो ये रही आनिया कम बेबी आनिया। तो मैंने अभी आनिया को पूरा चेंज कराया है बिकॉज बहुत ज़्यादा कूल हो रहा है यहाँ पर, तो उसको फुल स्लीव्स एंड ऑल लोअर्स एंड ऑल पहनाया है। और मैं पहनी हूँ आज ये सूट। तो मैंने ये पंजाबी पटियाला सूट पहना हुआ है, यू कैन सी रेड कलर का, और मैंने बिंदी लगाई हुई है इस पर रेड कलर की। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं घर से चली थी तो मैं बिंदी लगाना भूल गई थी। फिर आई थॉट कि यार ससुराल जा रहे हैं तो सासू माँ कहीं टोक ना दे, तो दैट्स वाई मैंने जल्दी से अपने यू नो जो मेरा मेकअप बॉक्स है वो ऊपर ही रखा था और मैंने निकाला और मैंने तुरंत ही बिंदी लगा ली। तो अभी मुझे रिलैक्स हो रहा है। तो मैंने ये गोल्ड के बैंगल्स पहने हुए हैं बिकॉज हम लोग के ससुराल में थोड़ा सा गोल्ड ज़्यादा चलता है, तो इसलिए गोल्ड्स वगैरह पहनना पड़ता है। ये गोल्ड की मैंने रिंग डाली हुई है और पायल्स वगैरह भी पहननी पड़ती हैं। तो मैंने जो पायल है वो मैंने अभी नहीं पहनी है बिकॉज अनकम्फर्टेबल फील करूँगी मैं, तो मैंने उस पायल को रख लिया है। तो मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगी तुरंत मैं वहाँ पर जाके पहन लूँगी। तो चलिए अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ कि किस तरीके का है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके के बाहर का व्यू है, पूरा ट्रीज़ एंड ग्रीनरी ये सब है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो मैं ये जो विंडो है वो बंद ही करके रखती हूँ कर्टेन को, बट समटाइम्स होता है कि आनिया को चाहिए रहता है बाहर देखने के लिए बिकॉज उसका जो है इन्जॉयमेंट हो जाता है, टाइम पास हो जाता है, तो इसीलिए ये सब है। तो आपको मैं बोगी का टूर एक बार करवा देती हूँ। तो ये इस तरीके से है, हम लोगों ने डिसाइड करा है कि यहाँ पर आनिया और उसके पापा सोएंगे और यहाँ पर मैं और एमान सोएंगे नीचे, बिकॉज थोड़ा सा कम्फर्टेबल हम लोग का डाउन में रहेगा। तो ये है हमारा बोगी का गेट, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके सामने ये है पूरी लॉबी, ये स्लाइड वाला गेट है तो वो ऊपर हो जाता है पूरा। तो काफ़ी ज़्यादा मैं इन्जॉय कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल के लिए न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और हिट लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। और मैं वहाँ पे जाके भी बहुत सारी ब्लॉगिंग करने वाली हूँ अपनी मम्मा के साथ में भी, सासू माँ से भी मिलवाऊँगी आपको और हो सकेगा तो अपनी देवरानी और जेठानी से भी मिलवाऊँगी आपको। तो अभी मैं भी बहुत ज़्यादा मूव कर रही हूँ और आने इन्जॉय कर रही है और आने को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बेबी का फर्स्ट ट्रिप है तो वो थोड़ा सा फंसी हो रहा है क्योंकि जो है ट्रेन थोड़ी सी मूव करती है, तो उसको सुला रहे हैं यहाँ पर तो वो सो ही नहीं रहा है। तो दैट्स वाई मेरे जो हस्बैंड है वो बाहर उसको वॉक पे लेके गए हैं जिससे कि वो थोड़ा सा सो जाए और थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे। और बस यही सब है। एक्चुअली मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में अभी। और हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, ये भी मुझे बताना था, खाना वगैरह खा लिया है। मैंने पूड़ी बनाई थी और सब्जी बनाई थी आलू की और मिर्च का चाल लेकर आई थी मैं, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का भी बहुत फेवरेट है और आनिया का भी बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत खा लेती है आनिया, ज़्यादा नहीं खाती। तो वही सब था, चिप्स एंड ऑल थी, कोल्ड ड्रिंक थी, कर्ड लेकर आई थी मैं बिकॉज कर्ड बहुत ज़्यादा सही रहता है, तो इस वजह से हाजमोला रख लिए मैंने क्योंकि ट्रेन में थोड़े से हाजमोला एंड ऑल लगते रहते हैं, तो उस वजह से। तो लंच वगैरह हमारा हो गया है, अभी हम बस रेस्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सो लें। मेरी थोड़ी सी एडिटिंग रह गई है तो मैं लैपटॉप मैंने ऊपर ही निकाल के रख दिया है, तो मैं थोड़ी सी एडिटिंग ज़रूर करूँगी थोड़ी देर में। ये हम मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ तक की ट्रेन है, एज यू कैन सी दिस इज़ आवर लॉबी। ये फर्स्ट क्लास की लॉबी काइंड ऑफ थिंग है। तो मैं अभी अपनी लॉबी का आपको टूर करा देती हूँ। इस तरीके का हमारा कंपार्टमेंट है, इट्स मूविंग अलोंग। और पहुंच चुकी हूँ अपने ससुराल, जिसके आप देख सकते हैं ये है मेरा ससुराल। और आपने ट्रेन का व्लॉग देखा होगा, शायद आपको पसंद आया होगा। हम लोग का 21 आवर्स का रन था, तो काफ़ी टायरिंग हो गया था हमारा जर्नी। और फिर टाइम से पहुंच गए थे। जो ट्रेन थी वो लेट नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात रही। नहीं तो हमेशा क्या होता है कि ट्रेन लेट हो जाती है तो और ज़्यादा टायरिंग हो जाती है जर्नी। तो इस बार सही रहा क्योंकि ट्रेन लेट नहीं हुई। और मैं अपने ससुराल में हूँ इस टाइम, इसलिए मैंने ये सूट पहना हुआ है। आज येलो कलर का सूट है और मैं पहनी हुई हूँ इसके साथ में रेड लेगिंग्स एंड देन रेड चुन्नी मैंने डाली हुई है। तो मुझे गाइस 3-4 दिन हो चुके हैं अपने ससुराल में आए हुए। बहुत ज़्यादा मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी सासू माँ के साथ में। और मेरी जेठानी जो है वो भी आने वाली हैं थोड़े दिनों में। और मेरी जो दुरानी है वो मेरे साथ मतलब यहीं पर हैं हमारे साथ में। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं मिलके। बस जेठ जेठानी का वेट कर रहे हैं कि थोड़े दिनों बाद वो भी आ जाएंगे, तो पूरा घर जो है बिल्कुल भर जाएगा। और जैसे मेरी एक डॉटर है, ऐसे ही उनकी भी एक डॉटर है। तो सब लोग मिल के बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तंबोला वगैरह भी खेलते हैं। तो यार मेरा मन तो है कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर व्लॉग्स बनाऊँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है यू नो ससुराल में व्लॉगिंग करने में। बिकॉज अभी यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि मैं यूट्यूब पर हूँ और यूट्यूब पर किस तरीके की वीडियोस बनाती हूँ। बस थोड़ा बहुत पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, दैट्स इट, नॉट अबाउट द वीडियोज़। तो अभी मुझे थोड़ा सा वही डर लग रहा है। थोड़ी सी ओपन अप हो जाऊँगी जब सबको पता लग जाएगा अच्छे से कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, यूट्यूब पे हूँ, तब मैं सबके साथ में एंजॉय कर पाऊँगी अच्छे से ब्लॉगिंग को, और आपके साथ में भी शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स क्या हो रहा है हमारे घर में, थोड़ी सी पूजा पाठ भी है। जैसे कि आपको पता है न्यू बेबी मेरा बॉर्न हुआ है, तो उसके लिए कुछ पूजा पाठ भी रखी हुई है घर में। और हम लोग यहाँ पर रहेंगे करीब 10-15 दिन रहेंगे यहाँ पर। फिर 10-15 दिन रहने के बाद में मैं चली जाऊँगी अपने मायके, और मायके में भी खूब सारा एंजॉय करूँगी। वहाँ के भी व्लॉग्स ज़रूर शूट करूँगी आप लोगों के लिए, बिकॉज वहाँ पे तो मैं खुला एंजॉय करती हूँ। और वहाँ पर जो है व्लॉगिंग करने में ज़्यादा मुझे शर्म भी नहीं आती है, सबके साथ में एंजॉय करती हूँ। तो बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे वहाँ के तो। और मेरे जो कज़न्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मेरे चैनल पर फीचर होने के लिए, तो उनके साथ में भी बहुत सारे ब्लॉग्स बनाऊंगी मैं, आई एम श्योर। और अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो, ट्रेन का ब्लॉग, तो प्लीज़ हिट लाइक कर देना इस वीडियो को। और अभी जो है मेरे हस्बैंड और बच्चे लोग बाहर वाले रूम में बैठे हुए हैं, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। इवनिंग टाइम हो रहा है तो टी को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने अपनी चाय जो है फटाफट से फिनिश करके मैं अंदर आ गई थी, बिकॉज ट्रेन के बाद में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए, मैं कैमरा को छू भी नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि वो वाला जो ब्लॉग है, ट्रेन वाला ब्लॉग, वो मुझे एंड तो करना ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं उसको एंड कर देती हूँ। तो इसलिए मैं कैमरा लेके बैठ गई, थोड़ी सी फ्री थी तो मैंने सोचा चलिए आपसे बात भी कर लेती हूँ। और होपफुली आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा, मेरी ब्लॉगिंग जो है वो अच्छी लग रही होगी। न्यू ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट करी है करना अभी, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ मैं ब्लॉगिंग के। और शायद मेरा बेबी क्राई कर रहा है। तो गाइज मेरा जो बेबी है वो क्राई करने लगा था, इसलिए मैं चली गई थी। और अभी मैं अपनी सासू माँ को दे आई हूँ अपने बेबी को संभालने के लिए। तो फ्रेंड्स आप भी मुझे बताइए कमेंट्स में लिख के कि आप अपने ससुराल में किस तरीके से एंजॉय करते हैं, आपको कितनी फ्रीडम है, और मतलब आपकी अपनी सासू माँ से किस तरीके से पटती है। ये सारी बातें मुझे बताना। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हिट लाइक ज़रूर कर देना ब्लॉग को, बिकॉज मुझे आगे पता लगेगा कि मुझे और भी ब्लॉगिंग करनी है। अदरवाइज आई विल स्टॉप द ब्लॉगिंग हियर ओनली, बिकॉज अगर ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आएगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ब्लॉगिंग करने का। और सॉरी मेरा कैमरा हिल रहा है, मैं यहाँ पर ट्राईपॉड नहीं लेके आ पाई हूँ, तो सेल्फी स्टिक से बना रही हूँ वीडियो। तो हमारे ससुराल में क्या है, हम लोगों को सूट अलाउ है। अब तो हर जगह पे सूट अलाउ होते हैं। साड़ी वाला जो ज़माना था वो गया, अब घर में कोई साड़ी नहीं पहनता। बट हाँ, अगर कहीं कोई फंक्शन होता है या फिर घर में कोई रिश्तेदार आते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग साड़ी कैरी करें, बिकॉज अच्छा लगता है थोड़ा सा, साड़ियाँ भी हमारी यूज़ हो जाती है। तो अभी तो मैंने सूट ही पहना हुआ है जिसके आप देख सकते हैं, और दुपट्टा डाला हुआ है। तो बस यही है आप लोग बताइए, आप अपने ससुराल में क्या पहनते हैं? साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, जीन्स वगैरह तो खैर मेरे ससुराल में अलाउ नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता जीन्स पहनना, बिकॉज कुछ दिनों के लिए हम जाते हैं तो अपनी सासू माँ के अकॉर्डिंग हम लोग गेटअप अपना बनाए तो अच्छा लगता है। और मेरी सासू माँ को अच्छा लगता है कि मैं अच्छे से रहूँ, सज धज के रहूँ घर पर, और यू नो थोड़ा सा गोल्ड वगैरह भी कैरी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे ससुराल में। आप अपने ससुराल की बात मुझे ज़रूर बताना कि किस तरीके से आप लोग वहाँ पे रहते हैं, किस तरीके से एंजॉय करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं मायके भी जाने वाली हूँ तो वहाँ के भी ब्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जल्दी ही आएंगे सारे ब्लॉग। आप लोगों में से मुझसे बहुत सारे लोग जो है गिव अवे के लिए भी बोल रहे थे, तो गिव अवे ज़रूर मैं करूँगी। अपने चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने दीजिए, फिर मैं ज़रूर करूँगी गिव अवे। आप लोग होप मत खोइए, होने वाले हैं मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी ही गिव अवे आ जाएगा उसका। हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है 50,000 सब्सक्राइबर से, तो ये फॉर दैट। और आई एम वेरी मच हैप्पी 50,000 जल्दी से क्रॉस हो जाएं। और मैं क्या कह रही थी, हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अब मैंने रिव्यूज़ ख़त्म कर दिए, मैं केवल और केवल अपने चैनल पे व्लॉगिंग करूँगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी व्लॉगिंग करने के लिए, बिकॉज मुझे व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा है। मैंने बहुत सारे वीडियो शूट करके भी रखे हैं आप लोगों के लिए, तो वो वीडियोज़ भी जल्दी आएंगे। और चलिए, मैं इस ब्लॉग को अभी यहीं पे खत्म। तो फ्रेंड्स, आपने ये ब्लॉग देखा, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक कर देना इस वीडियो को, और शेयर कर देना। अगर आप चाहते हैं किसी अपनी फ्रेंड के साथ में शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं। और कल या फिर परसों मैं एक और ब्लॉग डालने वाली हूँ अपने चैनल पे। आई मीन मैंने सोचा है कि मैं रेगुलरली ब्लॉग्स अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, तो वो भी ब्लॉग्स जल्दी आएंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।